वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कड़ी मिर्च के पकौड़े। बहुत इजी है और डिलीशियस रेसिपी है। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आपको चाहिए होगी बड़ी हरी मिर्च, आपको चाहिए होगी आलू स्टफिंग के लिए जो हमने यूज करने हैं, ये बॉईल करके हमने रख लिए हैं, बारीक कटी हुई प्याज, अदरक, रिफाइंड ऑयल या आप सरसों ऑयल भी यूज कर सकते हैं फ्राई करने के लिए, लहसुन बारीक कटी हुई बहुत जरूरी है, कस्तूरी मेथी, बारीक कटी हुई मिर्च। मसालों में आपको चाहिए होगी रेड मिर्च पाउडर, जीरा, नमक और हल्दी। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल गर्म होने को रख दें। अब आपको क्या कर लेना है, इस तरह से मिर्ची ले लेनी है। और इस तरह से इसको आपने बीच से कट कर लेना है। इस तरह से हम बाकी मिर्चों को भी कट कर ले रहे हैं। आपको आलू मैश करने हैं। और इसमें आपने मसाले मिक्स करने हैं। और अब हमने इसमें रेड मिर्च पाउडर, जीरा, नमक स्वाद अनुसार आपको डालना है। कस्तूरी मेथी, हल्दी, बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक, प्याज और बारीक कटी हुई मिर्च। अब आपको इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू अब आपके प्रॉपरली मैश हो चुके हैं। अब आपको इन्हें स्टफ करना है मिर्ची में जो हमने काटी थी। इस तरह से आप बीच में भर लेंगे। इस तरह से आपने मिर्च में आलू भर के रख लेने हैं। अभी हमने स्टफ करके रख ली है मिर्ची इस तरह से। और अब आपको बेसन चाहिए होगा। बेसन को आपने एक बाउल में लेके और वाटर मिक्स करके उसे फेंट लेना है। अब आपको बेसन को फेंटना है। सबसे पहले हम उसमें जीरा डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कस्तूरी मेथी डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार आप डाल लें और वाटर ऐड करके इसे फिर आपको फेंटना है। बेसन को बहुत अच्छे से फेंटे। जो आपकी पेस्ट है वो ज्यादा ना पतली हो और ना ज्यादा गाढ़ी हो, इसका ध्यान रखें। जब तक आप ये फेंट रहे हो तब तक आपका ऑयल भी गर्म हो जाएगा कढ़ाई में। अब आपको क्या करना है, मिर्ची ले लेनी है और आपको उसे डिप करना है बेसन में इस तरह से। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक साइड लाइट बंद होने तक उसे पकाएं और फिर टर्न करके आप सर्व कर सकते हैं। अच्छे से लाइट ब्राउन होने दें। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तभी आप सर्व करें। लगभग दोनों साइड से आप इन्हें सर्व कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपकी जले ना इस तरह से।
आप इसे चटनी के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा स्नैक रेसिपी है ये। ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।